हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी गार्डनिंग टिप्स यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग करने वाला, ये जूही प्लांट के बारे में। फ्रेंड्स, इसको इंग्लिश में पिंक जैस्मिन बोला जाता है क्योंकि इसका बार्ड का कलर पिंक में होता है, लेकिन ये जब खिल जाते हैं तो पूरा वाइट दिखते हैं और इसमें बहुत ही हल्की सी खुशबू भी होता है। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इसको प्रोपगेट किस तरह से कर सकते हैं और इसका देखभाल कैसे करें और ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए इसमें कौन कौन से फर्टिलाइजर डालें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसका प्रोपगेशन की बात करें तो यह कोटिंग से लगने वाला प्लांट है, इसका कोटिंग बहुत ही इजीली ग्रो हो जाता है। तो अगर कहीं पर आपको इसका प्लांट मिल जाए तो वहाँ से आप इसका एक छोटी सी कोटिंग ला के अपने घर में ग्रो कर सकते हैं। ये सैंड में बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। मैं भी इस प्लांट को कोटिंग से ही ग्रो किया हूँ। और अगर हम इसका सोयल की बात करें तो आप इसको वेल ड्रेन सोयल में लगाइए, जिसके लिए मैं वन पार्ट नॉर्मल गार्डन सोयल, वन पार्ट सैंड और वन पार्ट कंपोस्ट का मिक्सचर बना के इस प्लांट को लगाया था। और देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है और इसमें बहुत ही अच्छी तरह से फ्लावरिंग भी हो रहा है। और वाटरिंग की बात करूँ तो दोस्तों, इस प्लांट को ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं होता है। आप देख सकते हैं मेरा प्लांट की सॉइल पूरी तरह से ड्राई हो गया है, फिर भी इसमें बहुत ही अच्छी तरह से फ्लावर खिल रहे हैं। तो आप इस प्लांट में अभी दो तीन दिन बाद छोड़ के पानी डालेंगे, फिर भी ये प्लांट चल जाएगा। लेकिन समर सीजन में आप इसमें रेगुलर वाटरिंग करें। ऐसे तो ये एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने पर और बहुत ज़्यादा गर्मी में भी इसमें फ्लावरिंग बहुत ही कम हो जाते हैं। पर ये अभी इसका फ्लावरिंग का बहुत ही अच्छा सीजन है, तो इसमें देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से फ्लावरिंग हो रहा है और बहुत सारे फ्लावर बार्ड भी लगे हुए हैं। और इसका फर्टिलाइज़र की बात करूं तो मैं इसमें हफ्ते में एक बार सरसों खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर डालता हूँ और महीने में एक बार इसका मिट्टी का कुड़ाई करके उसमें गोबर खाद डाल देता हूँ। तो आपके पास काउडंग कंपोस्ट नहीं है तो आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर खिलाना चाहते हैं तो आप इसमें बनाना पिल का लिक्विड फर्टिलाइज़र भी डाल सकते हैं, वो भी इस प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा है। और सनलाइट की बात करूं तो इस प्लांट को कम से कम 5 से 6 घंटे का डायरेक्ट सनलाइट चाहिए। धूप में ये प्लांट बहुत ही अच्छी तरह से ग्रोथ करता है। तो आप इस प्लांट को ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पे दिन का कम से कम 5 से 6 घंटे का डायरेक्ट सनलाइट आता हो, तो ये प्लांट बहुत ही अच्छी तरह से ग्रोथ करेगा और उसमें फ्लावर भी ज़्यादा खिलेंगे। और अगर आप इसमें कंटिन्यू फ्लावरिंग चाहते हैं तो फ्लावरिंग ख़त्म होने के बाद उसके नीचे का हिस्सा जो इस तरह से रह जाते हैं प्लांट में, आप उसको इस तरह से पिंच करके हटा दीजिए। अगर आप इसको निकल देंगे तो उस ब्रांच के साइड से न्यू ब्रांच निकलते हैं और उसमें और ज़्यादा फूल लगते हैं। तो आप इस तरह से डेडहेडिंग जरूर कीजिए अपने जूही के प्लांट में कंटिन्यू फ्लावरिंग के लिए। तो दोस्तों, आज का वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी गार्डनिंग।